गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स और बहुत सारे मैंने स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाकर आपको समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आज की वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके रेगुलर के एग्जाम में हो चाहे कंपटीशन में हो, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको हल्का फुल्का समराइज कर देती हूँ कि मैंने अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो है बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ा, हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेंजीन के डेरिवेटिव के बारे में। बेंजीन का डेरिवेटिव मतलब एक हाइड्रोजन हटाने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन का डेरिवेटिव। ग्रुप मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लोरो बेंजीन हो गया, जैसे नाइट्रो बेंजीन हो गया, बेंजोइक एसिड में COOH ऐड कर सकते हो आप। तो आपने यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव लिया है। इस बेंजीन के डेरिवेटिव में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे वो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम जब बेंजीन का डेरिवेटिव में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ये कहाँ जुड़ेगा, इसको हटाकर जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा, वो किस कार्बन पे जुड़ेगा, यही चीज हमें बताना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और मेटा डायरेक्टिव में। अगर ये ग्रुप जो है अगर ये माइनस आई को शो करेगा या माइनस आर को शो करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस रिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप इस रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को होने नहीं दे रहा है, ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस आर और माइनस आई को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ पर रिएक्शन ही आपका नहीं कर पाएगा, इजिली रिएक्शन ही यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इस ग्रुप को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मेटा पोजिशन पर आकर जुड़ता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजिशन पे जुड़ेगा, क्योंकि मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब ये माइनस आई वाला ग्रुप होगा तब मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये सब चीजें मैंने अपने लास्ट क्लास में आपको बता दिया है, मैं बस रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो। ये सब बहुत डिटेल से मैंने अपनी लास्ट क्लास को पढ़ाया था, एक घंटा का पूरा वीडियो बन गया है, क्योंकि काफी डिटेल से पढ़ाती थी। मैं ये सोचती थी पढ़ाते समय कि सामने वाला जो बच्चा है उसको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये सोच कर मैं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल ए से स्टार्ट करती हूँ और जेड तक पहुंचती हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपने बेंजीन का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, तो अगर ये बेंजीन का डेरिवेटिव ये जो ग्रुप है अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इजिली इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। फिर ये कहाँ अटैक करेगा, ये मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। क्यों मेटा पर करेगा, सब मैंने बताया है, प्लीज आप लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना, तो फिर आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मेटा पर क्यों अटैक करेगा सब मैंने बताया है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जब ये माइनस आई और माइनस आर को शो करेगा तब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। एक मैंने आपको बताया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा अपने पास से, तो यहाँ पर ये प्लस आई को शो करेगा या तो ये प्लस आर को शो करेगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी शो करेगा, जिसकी वजह से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और तब कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो आराम से इस पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। क्यों ऑर्थो और पैरा पे करेगा मैंने बता दिया अपने लास्ट क्लास में, काफी लंबी वीडियो बनी है वो, अब मैं दोबारा बनाऊंगी तो फिर दोबारा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए ये सब पहले मैंने बता दिया है, आप उस वीडियो को देख लेना कि क्यों ये ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करता है। तो यहाँ पर आपका ये मेटा पर जुड़ेगा और ये आपका ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, कब, जब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा रिंग पर, इस रिंग को एक्टिवेट करेगा तब ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। तो इस तरह के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, और मेटा डायरेक्टिंग को बोलते हैं डी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। दोबारा से मैं बताऊंगी तो फिर से वीडियो लंबी बन जाएगी, सब मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सब मैंने बता दिया है आपको। एग्जांपल भी बहुत सारे कराए थे मैंने आपको। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस आएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी की या तो आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में से आते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है लेकिन ऑर्थो पैरा का नहीं है, ये सिंपल सल्फोनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने आपको सल्फोनेशन पढ़ाया था बेंजीन का सल्फोनेशन, उसमें का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द ओनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप विच इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, ऐसा कौन सा ग्रुप है इन चारों में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है लेकिन साथ में वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, जो बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है। ऐसा कौन सा ग्रुप है इन चारों में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है फिर भी वो रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एनिलीन NH2, ठीक है, एनिलीन जो पढ़ा है आपने बेंजीन रिंग में NH2 अगर आप जोड़ेंगे ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एनिलीन। तो ये क्या है, एक लोन पेयर होता है इसमें, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर सप्लाई करेगा तो ये रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये आपका प्लस आई और आपका प्लस आर शो करेगा, मतलब ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनिलीन आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो क्या ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है नहीं, क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है तो डीएक्टिवेट कहां से करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर बाहर की तरफ तब वो रिंग डीएक्टिवेट होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, इसके पास जो लोन पेयर है वो प्लस आर की वजह से वो रिंग पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा होगा, साथ में ये आपका रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि हमको बताना है कि ऐसा ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो साथ में डीएक्टिवेटिंग हो। दूसरे नंबर पे आते हैं OH, OH भी क्या है आपका, ये भी आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा क्योंकि इसके पास भी लोन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आई जो होता है वो डोमिनेंट नहीं होता है, आपका प्लस आर डोमिनेंट होता है OH के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आर की वजह से ये रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ेगी तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग नहीं होगा फिर। और साथ ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्यों होता है सब मैंने आपको बताया है अपने लास्ट क्लास में, क्यों OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, इसके पास लोन पेयर तो रिंग में बढ़ाएगा, इसकी वजह से ये भी आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें आते हैं CH3 वाले केस में। CH3 में क्या है आपका, सी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका बेंजीन अटैच है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये प्लस चार्ज हो जाएगा और रिंग यहाँ पर ये जाएगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना CH3, एच पर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये जो सिंगल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो यहाँ का जो पाई है वो इधर मूव करेगा। ठीक है, CH3 वाला मैंने बताया था कि नहीं आपको लास्ट क्लास में, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये देखिए आपका टॉलुइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं टॉलुइन, सी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या हुआ कि आपका CH के साथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन ये है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए वो ये है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये अगर होगा किसी सिस्टम में, किसी सिस्टम में अगर ये होगा तो वो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके वजह से ये सिस्टम अगर होगा तो अच्छा, इसमें बताओ किसमें ये सिस्टम है कि नहीं है। यहाँ पर जरा आप देखिए, ये CH हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन को शो करेगा टॉलुइन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं, जरा उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर है हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ये आपका सिंगल बॉन्ड जो CH के बीच का बॉन्ड है वो इधर मूव करेगा और ये इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका हाइपर कंजुगेशन से क्या होगा, इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये आपका सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर एच पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इधर मूव कर गया तो यहाँ पर नेगेटिव आया, फिर वो ऐसे मूव करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये सब आपने पढ़ा है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैंने भी कई बार बताया है आपको, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे एच प्लस, फिर ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो आपका कई बार ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर हो गया, डबल बॉन्ड सी एच एच और यहाँ पर एच प्लस।
फिर से ये क्या होगा, इधर मूव करेगा तो ये वापस आपको कहाँ चला जाएगा, सी और बी एच के बीच का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे 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 वापस जैसे हाइड्रोजन आया था वो वापस वो एच प्लस वापस सी से जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हो गया आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वापस आपका टॉलुइन बन गया। तो ओवरऑल आपने देखा कि आर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, आर्थो और पैरा पर बढ़ रही है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो आर्थो पर अटैक करेगा या वो पैरा पर अटैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि CH3 ग्रुप कैसा है, आर्थो पैरा डायलेक्टिंग होता है, क्योंकि इसके वजह से हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, आर्थो और पैरा पोजिशन पे, मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ा रहा है, रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ा रहा है, भेज रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है। और साथ ही CH3 जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट को भी शो करता है और हाइपर कंजुगेशन को भी शो कर रहा है, ठीक है। इसके वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये आपका रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ये डीएक्टिवेट नहीं कर रहा, एक्टिवेट कर रहा है। ये तीनों जो है रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, साथ ही ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं सीएल का, तो सीएल का केस मैंने बहुत क्लियरली आपको अपने लास्ट क्लास में काफी लंबा बताया था, एक एक टॉपिक क्लियर किया था कि क्यों क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जबकि उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, क्लोरीन क्यों वो आपका आर्थो पैरा होता है, क्यों उसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है वो रिंग को, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बताया था अपने लास्ट क्लास में, इसलिए 1 घंटे की वीडियो बन गई थी वो। तो यहाँ पर अगर आप सीएल की बात करें, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए। और बॉन्डिंग के बाद भी क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचे होते हैं, तो यहाँ पर एक क्लोरीन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा प्लस आर की वजह से, उसके बाद ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कि ये नेगेटिव यहाँ पर भी आएगा ऑर्थो पैरा पर, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, तो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। कौन, सीएल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा होगा, क्यों, क्योंकि प्लस आर की वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल यही पटा करेंगे। अब ये पता करना है कि ये एक्टिवेटिंग होगा क्या डीएक्टिवेटिंग होगा, ये चीज हमें पता करनी है। तो अब हम क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें सीएल, ठीक है, ये है केस, तो इसके पास प्लस आर तो होता है क्योंकि रिंग्स अटैच है कंजुगेशन में, ये लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसकी वजह से ये प्लस आर शो कर रहा है। लेकिन साथ ही ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, कहां से, इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाहर की तरफ, तो ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई आना चाहेगा इसके पास, तो एक तो यहाँ पे प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, दूसरा यहाँ पे माइनस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये ई जो होगा ये आराम से इजिली रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है माइनस आई की वजह से, फिर भी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है किसकी वजह से, इस आर की वजह से, प्लस आर की वजह से, बहुत ही स्लोली रिएक्शन होती है, बहुत धीरे धीरे ई प्लस आके उस क्लोरोबेंजीन पर जुड़ता है, तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन माइनस आई को शो कर रहा है इसलिए। साथ ही अगर हम बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन में ऐसा कोई भी माइनस आई ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है, सब हाइड्रोजन है, कोई भी माइनस आई अटैच नहीं है, जिसकी वजह से इस रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसकी तुलना में ज्यादा होगी, इस रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्लोरोबेंजीन की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें माइनस आई है और इसमें माइनस आई नहीं है, जिसकी वजह से ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है इसकी तुलना में, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन पर इजिली रिएक्शन करेगा कंपैरिजन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन धीमी गति से होती है, स्लोली होती है,
कंपेरिजन टू बेंजीन, बेंजीन में अच्छे से होगी लेकिन क्लोरोबेंजीन में अच्छे से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, स्लोली होगी। ठीक है, स्लोली क्यों होगी, क्योंकि प्लस आरबी तो है ना, जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाई इस क्लोरोबेंजीन के पास आता है तो ये जो लोन पेयर है इनमें भगदड़ मच जाता है, खलबली मच जाती है, क्योंकि इनको भी तो प्लस ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भी माइनस चार्ज को भी प्लस ही चाहिए और प्लस को भी माइनस ही चाहिए, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनमें खलबली मच जाती है, रिपल्सन होने लगता है बॉन्डिंग के लिए, तो ये इधर मूव करने लगता है, ये लोन पेयर फिर आपके रिंग में मूव करने लगता है, फिर इसके बाद ये आपका इधर मूव करने लगता है ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, रिपल्सन की वजह से। जब ये ई प्लस अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होने लगते हैं अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, इसके वजह से ये लोन पेयर आपके रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने लगता है, क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन को रिंग में सप्लाई करने लगता है ताकि ई प्लस आके जुड़े, तो उसके वजह से ऑर्थो और पैरा पर ई प्लस आके जुड़ता है, लेकिन बहुत धीमी गति में क्योंकि माइनस आयन भी वहां पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल ये मतलब हुआ कि आपका क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, साथ ही ये डीएक्टिवेट भी करता है रिंग को, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, इसका आंसर सी जो है वो सही होगा। समझ में आ गया ना, क्लोरोबेंजीन का जो केस है वो थोड़ा अलग है, इसलिए एग्जाम में ये ज्यादा देता है, तो थोड़ा सा अलग होता है ना, वही एग्जाम में ज्यादा देता है। तो यहाँ पर क्या है, द ओनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप विच इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, सब के सब आपके ऑर्थो पैरा वाले हैं, ऑर्थो पैरा, लेकिन ये जो है आपका ऑर्थो पैरा होने के साथ साथ रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है ड्यू टू माइनस आई, डीएक्टिवेट कर रहा है माइनस आई की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अटैकिंग स्पीसीज इन सल्फोनेशन इज, द अटैकिंग स्पीसीज इस सल्फोनेशन का जो मैंने पढ़ा है आपको, बेंजीन का जब सल्फोनेशन करते हैं तो उसमें कौन सा अटैकिंग स्पीसीज होता है। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम कराते हैं, तो उसमें जो मैकेनिज्म करते हैं, उस मैकेनिज्म में तीन प्रोसेस सब में कॉमन होता है, चाहे वो हैलोजिनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट हो, सब में एक ही तरह का मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, किस पर, सबस्ट्रेट पर, ठीक है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये तीन आपके कॉमन स्टेप होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द अटैकिंग स्पीसीज इन सल्फोनेशन, अटैकिंग मतलब कौन सा आयन आपका अटैक करता है, सेकेंड मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था ना, और कौन सा रिएक्शन है, सल्फोनेशन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा आयन या कौन सा मॉलिक्यूल आपका सेकंड मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में अटैक करता है बेंजीन पर, आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO4- मतलब सल्फेट आयन और HSO3-, इन चारों में आप जरा देखिए और बताइए कौन सा अटैकिंग स्पीसीज होता है सल्फोनेशन में। मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप अगर याद होगा तभी इसको कर पाएंगे, या तो सर्कुलेशन है, आपको याद होगा बेंजीन का सर्कुलेशन कैसे कराते, तब आप इसको कर पाएंगे। अब इसको सोच के जरा बताइए कि कौन सा होगा, सोच लिया आपने कौन सा होगा, याद आ रहा है कुछ? तो इसको मैंने क्लियरली बताया था कि इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है, SO3 पे कोई चार्ज नहीं है। अब आप सोच रहे कि इलेक्ट्रोफाइल का तो मतलब हुआ E पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस आयन पर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो किसी आयन पॉजिटिव नहीं है, साथ ही यहाँ पे दो न्यूट्रल कंपाउंड है और दो आपका नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल कोई है ही नहीं। इस पर जरा ध्यान देंगे, SO3 ये आपका एक पोलर इलेक्ट्रोफाइल होता है, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा पोलर इलेक्ट्रोफाइल या एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल, जो आपके न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे आपका AlCl3, ये भी आपका एक लेविस एसिड है, आपका न्यूट्रल या एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे आपका BF3, ये भी आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस बोरान के पास, इस एल्यूमिनियम के पास, ZlCl2 में ZN के पास, FeCl3 में आपका Fe के पास, ठीक है, ये सारे एम्बिडेंट या इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये SO3 जो होता है इसको पोलर इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ये जो होता है SO3, ये सेकेंड स्टेप में अटैक करता है बेंजीन पर, अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो आप इसको कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SO3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है,
बेंजीन का सर्कुलेशन कराते समय, तो आप इसको वहां जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि अगर फिर से मैं बताने लगी तो फिर से मेरा जो वीडियो है वो एक 1.5 घंटे का बन जाएगा, काफी लंबी वीडियो बन जाती है मेरी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, SO3। सल्फोनेशन में अटैकिंग स्पीशीज कौन होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक पोलर इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो बेंजीन पर अटैक करता है। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। ठीक है, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, एक्चुअली आपको क्या करना है यहाँ पर, एक्सप्लेन करना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और सब मैंने आपको बताया है, इसमें CH3 का भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि CH3 जो होता है वो कौन सा डायरेक्टिंग होता है, और स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होगा आपको। जब इसका आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि टॉलवीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे CH3 वाले केस में, तब आप नीचे बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आर्थो और पैरा पे बढ़ रही है, इसके वजह से CH3 वाला जो है वो ग्रुप आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ेगा आपके आर्थो और पैरा क्वेश्चन पर। ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा NH2 के बारे में भी मैंने अभी बताया आपको, NO2 भी मैंने बता दिया अपने लास्ट क्लास में, Cl के बारे में तो मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन है आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर आप नीचे आप उसके कौन सा एक फैक्टर लग रहा है वो बताएंगे, -I की, हाइपर कंजुगेशन की, R वो बताएंगे, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि आर्थो पैरा है कि मेटा है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो एग्जाम्पल भी आप उसका दे सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जैसे ये वाला आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज दैट क्लोरीन है, तो इसका रिएक्शन अगर हो रहा है CH3, ठीक है, Cl, और यहाँ पर आपका एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएजेंट और ये देखकर आप बता सकते हैं कि ये फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन पर कहाँ अटैक करेगा? अगर क्लोरीन के बारे में पता है कि क्लोरीन जो होता है वो आर्थो पैरा होता है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोफाइल ये यहाँ पर अटैक कर सकता है या तो यहाँ पर अटैक कर सकता है। दो केसेस बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, एक आर्थो पर CH3 जुड़ेगा, मतलब ये ऐसे एक CH3 यहां जुड़ेगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपका Cl यहां पर जुड़ेगा CH3। ठीक है, ये बोलेंगे आर्थो प्रोडक्ट, ये बोलेंगे पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल अगर आपको याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, याद नहीं तो खुद भी आप बना सकते हो, आपने सब पढ़ा है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो कोई भी एग्जांपल लेकर आप बेंजीन के साथ जैसे कराते हैं ना, बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ भी ठीक वैसे ही कराएंगे। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये ग्रुप कैसा है, ये कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा है कि मेटा है। नहीं ध्यान आ रहा है तो आप रफ कॉपी में नीचे करके देख सकते हो कि ये आर्थो है कि पैरा है, उसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ठीक है, लोन पेयर भी पता होना चाहिए कि लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर होगा तभी तो वो रिंग में सप्लाई करेगा ना, तब जाकर वो आपका आर्थो पैरा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखेगा, जैसे NO2, तो उस केस में ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो आप CH3 को फिर मेटा पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप दे देंगे और साथ में रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाकर बताएंगे कि कौन ऑर्थो पैरा है कौन मेटा है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसको सॉल्व करना है, बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, बेंजीन अगर होता तो आप तो फिर पढ़े हैं तो आप आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव जब दिया होगा तो आप वहां पर थोड़ा सोचेंगे, फट से करने नहीं लगेंगे, आप वहां सोचेंगे कि रिएक्शन कौन सी हो रही है और ये जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप आर्थो पैरा वाला है कि मेटा वाला है, उसके बाद ही आप रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि ये जो रिएक्शन है, पहले आप देखेंगे कि इस रिएजेंट के बारे में, ये रिएजेंट किस रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, Cl2 के साथ दिया हुआ है FeCl3, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये हैलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। साथ में बेंजीन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बेंजीन का हैलोजिनेशन जो हमने पढ़ा था वही है, बट यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो अब आपको सोचना होगा कि यहाँ पर जो बेंजीन का डेरिवेटिव के साथ यहाँ पर क्लोरीन और FeCl3 दिया है, तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन है किसका, बेंजीन के डेरिवेटिव का। अब आप आगे काम करेंगे इतना सोचने के बाद। हाँ,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों होता है सब मैंने बताया आपको। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये आपका मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, Cl2 और फिर Cl3 का जो आप मैकेनिज्म है आपको याद होगा, हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो क्या होगा, क्लोरोनियम आयन Cl+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, चूंकि ये जो है मेटा डायरेक्टिंग है तो ये आपको ये डायरेक्ट करेगा इसको, ये NO2 डायरेक्ट करेगा, दिशा बताएगा इस इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम आओ और मेटा पोर्शन पर अटैक करो। इसको इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब ये जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, आपके मेटा पोर्शन पर जुड़ेगा। ठीक है, अब दो मेटा पोजिशन है, एक ये मेटा पोजिशन, ये मेटा पोजिशन, बट सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेम है। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप होता तो आपको सोचना पड़ता, बट यहाँ पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, बस सिंपल एक ही ग्रुप है और यही हमें डायरेक्ट कर रहा है, दिशा बता रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जोड़ो चाहे यहाँ पर जोड़ो, बात एक ही है। ओके, यहाँ पे कोई ग्रुप होता या यहाँ पे होता तो फिर से आपको सोचना पड़ता, ठीक है, कि क्या कहाँ जुड़ेगा। फिलहाल सिंपल वाला है आपके टॉपिक में, तो वो मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हो गया Cl और यहाँ पर हो जाएगा NO2। ठीक है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग था, इसके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ा, मेटा क्वेश्चन पर, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये है नाइट्रोबेंजीन और ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड में CHO है, मैंने आपसे कहा कि डबल बॉन्डेड O अगर हो तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा मतलब मेटा क्वेश्चन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत होगी तो उसी पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग होता है और साथ ही ये आपका रिंग को डीएक्टिवेट भी करता है। क्यों करता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच ये है और ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है ना, बेंजीन इसी को ना स्ट्रक्चर है ये बेंजल्डिहाइड का। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले की वजह से ये बगल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो इस कार्बन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा तो ये फिर इधर मूव करेगा तो फिर इस पर भी पॉजिटिव आएगा, फिर ये इधर मूव करेगा तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव आ रहा है और आपका मेटा पोजिशन अनटच्ड है, मेटा पोजिशन पर ना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मतलब कि ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन घट रहा है पहले से, लेकिन मेटा पोजिशन पर जस्ट का तस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजिशन पर ही अटैक करेगा, ऑर्थो पोजिशन पर अटैक नहीं करेगा, वो मेटा पोजिशन पर ही करेगा। ठीक है, तो आपका जो बेंजल्डिहाइड CHO है वो आप इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जुड़वाएगा, कहाँ बोलेगा जोड़ने के लिए, वो मेटा पोजिशन पर जोड़ने के लिए बोलेगा, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग होता है और रिंग को डीएक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच रहा है, इसका मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, मतलब कि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। डीएक्टिवेट मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को होने नहीं दे रहा है, ठीक है, सुस्त कर दे रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बाहर, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि इस रिएक्शन में जो रिएजेंट हमने लिया है वो है कंसंट्रेट HNO3 के साथ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। ये भी एग्जाम में आता है कि अगर HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट ले लिए तो ये कौन सा मिक्सचर होगा, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होगा। ये नाइट्रेशन में यूज होता है जब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है। तो अब यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव लिया है आपने, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, अब ये CHO मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है, आपको वो चीज ग्रुप से आप देखेंगे कि वो ऑर्थो पैरा है कि मेटा है। तो ये जो रिएजेंट है ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करता है, सब मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक चीज पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो HNO3 H2SO4 है वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, ये है क्लोरोनियम आयन, ये है नाइट्रोनियम आयन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, CHO मेटा डायरेक्टिंग होता है तो ये NO2 मेटा पर अटैक करेगा। ठीक है, जब मैं नाइट्रेशन पढ़ा रही थी तो मैंने सब मैकेनिज्म से बताया है कि कैसे NO2+ वहां पर निकलता है। ओके, ठीक है, CHO और मेटा पर NO2 जुड़ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन, NH2 ग्रुप अटैच है यहाँ पर और ये साथ में CH3Cl है एंड हाइड्रस AlCl3 है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। CH3Cl एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 देता है, साथ में बेंजीन देता है, तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव दिया है, तो आपको डेरिवेटिव मतलब कि आपको याद रखना है कि ये जो ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजिशन पर जोड़ेगा, वो चीज आपको याद रखना है। तो NH2 है,
तो ये क्या करेगा, रिंग इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, तो इसकी वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कहाँ पर बढ़ेगी, स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोर्शन पर बढ़ेगी। ठीक है, एनएच टू जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, साथ ही आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो वो आपका रिंग को रिंग को एक्टिवेट भी करता है। इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है रिंग पे, तो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आराम से होने दे रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ये CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 मिलकर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकालते हैं, ये निकालते हैं CH3+ मेथिल इलेक्ट्रोफाइल निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, सब मैंने बहुत लंबा पढ़ाया लेक्चर, सब फ्रीडेनक्राफ्ट रिएक्शन वाला वीडियो मेरा देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये CH3+ निकालेगा, ये CH3+ क्योंकि ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, तो ये CH3+ ऑर्थो पर भी अटैक करेगा और पैरा पर भी अटैक करेगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा, एक ही बनाकर मत आ जाना। ठीक है, ये हो गया ऐसे NH2, तो एक तो आपका CH3 यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पर, और दूसरा जो CH3 है आपका NH2 पैरा पर CH3 जुड़ जाएगा, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे। ये मेटा डायरेक्टिंग था, एक ही था तो एक ही बना, ऑर्थो पोर्शन अलग होता है, पैरा पोर्शन अलग होता है, तो यहाँ पर दोनों पर CH3 जुड़ेंगे क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस केस में आते हैं, इस केस में जब ध्यान दीजिए आपको, यहाँ पर Cl2 है, FeCl3 है, ये वाला केस है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन किस जगह पर क्या दिया हुआ है, बेंजीन का डेरिवेटिव, ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा, Cl+ क्लोरोनियम आयन, और ये OCl3 कौन सा होता है, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये Cl जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो आपका यहाँ पर OCH3 और ये ऑर्थो पैरा, ये Cl एक जुड़ गया ऑर्थो पर, और पैरा पोजिशन वाला भी बना देती हूँ मैं, ये ऐसे OCH3 और Cl। ठीक है, क्लोरोनियम आयन कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पर, क्यों, क्योंकि OCH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है रिंग में, रिंग को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही आके जुड़ेगा, तो ये दो प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से आप बोर्ड पर देखिएगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसके पास जो लोन पेयर है दो, तो ये आपका माइनस आई तो शो करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन साथ में प्लस आर भी शो करता है अगर वो किसी रिंग से अटैच हो तो। ठीक है, तो उस केस में ये आपका इलेक्ट्रॉन को प्लस आर की वजह से रिंग में सप्लाई करेगा, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ओ है तो उस केस में आपका, ठीक है, ओ यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो उस केस में आपका ये लोन पेयर को ये रिंग में सप्लाई नहीं करता है, ये लोन पेयर को रिंग में सप्लाई आपका नहीं करता है। ये बात आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में आगे बहुत जगह ये यूज होने वाला है। जब भी आपका सिंगल बॉन्ड ओ से आपका जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा हो, तो लोन पेयर है वो आप रिंग में भेज सकते हैं, यहाँ पर रिंग होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग की बात हो रही है, तब वो अपना माइनस आई काम करेगा लेकिन साथ में प्लस आर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। लेकिन डबल बॉन्ड ओ होगा अगर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी सर्टिफाइड है इसकी, तो यहाँ पर ये लोन पेयर को मूव नहीं कराएगा, ये अपने हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब माइनस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साथ में यहाँ पे माइनस आर भी काम करेगा, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जो रिंग होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। तो डबल बॉन्ड ओ जो होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता रखता है, और सिंगल बॉन्ड ओ जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की क्षमता कैपेसिटी रखता है। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ रिंग में रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और सिंगल बॉन्ड ओ रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। इज दैट क्लियर, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से बताऊँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ना कि ओ CH3 है वो ऑर्थो पैरा क्यों है, इसका आप बनाकर भी देख सकते हैं। तीसरा वाला जो लास्ट केस है, इसमें आपका बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है CF3, ठीक है, ये वाला केस है, यहाँ पर सी है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन अटैच है इसके साथ, और CH3COCl है और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 है। तो ये जो आप देख रहे हो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड है, जिसे हम एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड भी कहते हैं।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड के साथ बेंजीन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेंजीन का डेरिवेटिव लिया है, तब हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर जो CF3 ग्रुप है इसका बहुत बड़ा रोल है, तब जाकर आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराएंगे। ये इसमें बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम 3 अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से की तरफ खींचेंगे, जिसके वजह से ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन विहीन हो जाएगा। ठीक है, विहीन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सारा खींच रहा है तो ये रिंग पर इजिली अटैक नहीं कर पाता है। रिएक्शन होगी, इजिली नहीं होगी, स्लोली होगी, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर इजिली अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि जो आपका CF3 ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये पूरा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं। इसकी वजह से ये आपका मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाहर की तरफ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर जाएंगे ना, अब क्यों जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसको बताने वाली हूँ, इस टॉपिक को मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी थोड़ी देर बाद कि क्यों वो बाहर जाएंगे, क्या होता है बाहर जाने के बाद सब। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से इस आर्थो पर पॉजिटिव और स्पैरा पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटा अनटच्ड रहेगा, मेटा पे जस का तस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पे तो जाएगा नहीं, नेगेटिव पे जाएगा। अब इसको नेगेटिव यहाँ मेटा पोजिशन पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, तो इजिली आप रिएक्शन ये कर लेगा। ठीक है, आर्थो और पैरा पर रिएक्शन नहीं करेगा, वो मेटा पर करेगा, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा से ज्यादा है। ठीक है, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए इस ग्रुप की वजह से। तो ये हो गया आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। CF3 ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जुड़वाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को आपका सबसे पहले ये जो आपका रिएजेंट है ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा, एसाइल ग्रुप CH3CO+, यहां से ब्रेक करेगा, इसको माइनस, इसको प्लस, तो CH3CO+ निकलेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजिशन पर। ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा ऐसे, CF3 और C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो पॉजिटिव चार्ज एसआई ग्रुप में आ रहा है वो कार्बन पर आ रहा है, ना कि ऑक्सीजन पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन से Cl अटैच है, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो C पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक किया, मेटा पोजिशन पर, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। इसको आप देख के बता सकते हो कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि CH3Cl है, एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 दिया रहेगा, साथ में बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव दिया रहेगा, इसका मतलब वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, CH3+ निकलेगा। अब इस क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन को देखेंगे कि वो आर्थो पैरा है कि मेटा है, तो क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है वो क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर भी अटैक करेगा और यहाँ पर भी करेगा। ठीक है, तो आपके दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, आपको सब सॉल्व करना है। ठीक है, एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा आपका पैरा CH3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टॉलविन दिया हुआ है, Cl2FeCl3 मतलब क्या, हेलोजिनेशन का एग्जाम्पल है ये। हेलोजिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा आपका, Cl+, यहाँ पे Cl+ निकलेगा, क्लोरोनियम आयन, और CH3 कौन सा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, दो प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेंगे आपके। ठीक है, CH3Cl यहाँ पर जुड़ गया, दूसरा प्रोडक्ट जो होगा CH3Cl यहाँ जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखेंगे आप, यहाँ पर Cl2 के साथ HNu दिया है, कोई रिएजेंट या कोई केमिकल नहीं दिया है, लाइट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, Cl2 के साथ यहाँ पर लाइट दिया है, कोई केमिकल नहीं दिया है, इसका मतलब ये आपका कौन सा एग्जांपल हुआ, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा, और उसको इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एच के साथ Cl मिलकर HCl बना लेगा, और एक Cl आकर इस C से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अरे सॉरी, आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो मैं क्या बोलती जा रही हूँ, CH3 सॉरी, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर आपका CH2 Cl हो जाएगा और एक H के साथ एक Cl निकल जाएगा। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन एज ए फ्री रेडिकल निकलेगा और साथ में Cl बना लेगा। तो इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, तो उसके साथ मिलकर आपका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और इस एक हाइड्रोजन के साथ वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है बाहर, तो HCl बना लिया। फिर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन यहाँ पे निकला और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ मिलकर ये बॉन्ड बना लिया CH2Cl, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल है, ये मैं इसलिए आपको बताई यहाँ पर कि आप डिफ्रेंशिएट कर सके दोनों में, ठीक है। यहाँ पर Cl2 FeCl3 के साथ दिया है तो आपने हैलोजिनेशन रिएक्शन किया, लेकिन अगर Cl2 HNO के साथ दिया होगा, लाइट के साथ दिया होगा, तो आप वहां पे हैलोजिनेशन मत कर देना, Cl2 मत जोड़ देना। थोड़ा सोचना कि यहाँ पर लाइट है, FeCl3 नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लाइट होने का मतलब कि फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्री रेडिकल के थ्रू आप रिएक्शन को करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो HNO3 H2SO4, ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2+ को निकालेंगे। ये NO2+ कहाँ निकलेगा, कहाँ जुड़ेगा, आपका आर्थो पैरा है तो आर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी झंझट इसमें नहीं है। CH3 यहाँ पर NO2 जुड़ेगा, साथ में आपका ये भी है CH3 पैरा पोजिशन पर, ठीक। आगे ये देखिए, इधर Br2 है, FeBr3 है, तो यहाँ पर भी आपका Br+ निकलेगा, वो आर्थो पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि CH3 क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन आते हैं, तो आप CH3 यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच हुआ और साथ में पैरा पोर्शन पर एक ब्रोमीन अटैच हुआ, CH3 और Br। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखिए कि इस रिएक्शन में आर्थो पर ब्रोमीन है और पैरा पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन एक बहुत ही बड़ा एटम होता है, बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा एटम होता है, तो इसकी वजह से CH3 के साथ इसका रिपल्शन होने लगेगा। यहाँ पर रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, जो ब्रोमिनियम आयन आ रहा है, Br+ आ रहा है, वो इस आर्थो पोजिशन पर इजिली अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो खुद ही वो बड़ा साइज होता है, ऊपर से CH3 भी एक बल्क ग्रुप है, तो दोनों के बीच में हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगता है, जिसकी वजह से ये जो आर्थो प्रोडक्ट जो बन रहा है ये माइनर बनने लगता है। और मैक्सिमम ब्रोमिनियम आयन Br+ आपका पैरा पोजिशन पर आके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लग रहा है CH3 का, तो जिसकी वजह से आपका ये वाला जो है वो मेजर बनेगा। इज दैट क्लियर। ब्रोमिनियम आयन जो आ रहा है Br+ आर्थो पोजिशन पर जब आता है, तो यहाँ पर ये खुद भी बड़ा है, CH3 भी एक बल्क ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, तो वो इजिली आर्थो पोजिशन पर जुड़ता नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा बहुत बनेगा, माइनर बनेगा। लेकिन पैरा पोर्शन पर कोई भी CH3 अटैच नहीं है, तो यहाँ पर जो बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे जो ब्रोमिनियम आयन जुड़ेगा पैरा पोर्शन पर, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, ठीक है। क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है, ये वाला आपका मेजर, अगर आप क्लोरीन ले लेते हो तो ये वाला मेजर और ये वाला माइनर बनेगा, बस यहाँ पर साइज की वजह से ये जो ऑर्थो वाला है वो माइनर और वो वाला मेजर, ठीक है। दैट क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। आपको क्या बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन मतलब आपको रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके बाद नीचे आपको बताना होगा कि कहाँ पर कौन से पोजीशन पर, आर्थो पर, पैरा पर, मेटा पर, कौन से पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, उसके बाद आपको उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाना होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया अभी, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आपको बताना है, कौन सा जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप दिए हुए हैं इनका आपको आर्थो पैरा बताना है, मेटा बताना है, कौन आर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ ये ग्रुप्स अटैच हो गए तो आपका ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो कहाँ पर ऐड करेंगे, डायरेक्टिव मतलब कहाँ पर, डायरेक्शन बताना, ठीक है, तो वो कहाँ पर उस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाएंगे, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। साइनाइड की अगर हम बात करें, अगर ये बेंजीन से अटैच हो, कहाँ पर अटैच हो, बेंजीन से अगर अटैच हो, ठीक है, C(NN) कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, चाहे N हो चाहे O हो, अगर ये इस तरह के फॉर्म में हो तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचना ही चाहेंगे, ठीक है,
नाइट्रोजन 3 के साथ ऑक्सीजन 2 के साथ अटैच है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचना ही चाहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो ये अपने लोन पेयर को रिंग में सप्लाई करने लगते हैं। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही है, ठीक है, चाहे क्लोरीन की बात हम करें, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, बट ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये खींचने भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो श्योरली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, सप्लाई भी कर सकता है रिंग की तरफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, CN अटैच है बेंजीन के साथ, साइनोबेंजीन। तो अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो सी और ये आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड चला गया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसके पास जब पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन के पास इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो बगल के लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ये खींच लेगा। ठीक है, जब अपनी तरफ खींचेगा तो आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद ये सी यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा सी के पास, ये एन यहाँ पर नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया कार्बन का। ठीक है, फिर ये इस तरह का हो गया। अब क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बॉन्ड कम हो गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इस कार्बन की, तो ये आप बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वो आपका पाई बॉन्ड बना लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन बेचारा रह गया कि ये जो कार्बन है कि भाई तुमने तो मेरा खींच लिया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, फिर ये सी डबल बॉन्ड एंड ये। ठीक है, ये सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब लास्ट बनेगा आपका, लास्ट बनेगा नहीं, ये अगर मेन होगा तो वो लास्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो देख लो, यहां से है आपका ऐसे, फिर यहां पर आपका, पर सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये आपका जो है, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गई है, यहां से आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई तो ये बगल के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे, फिर ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन के साथ माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हो गया, अब ये इधर चला गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि आपका ये कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हो गई तो बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो आपका यहाँ पर बन गया ऐसे 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 सी ट्रिपल बॉन्ड एन, वापस वही स्ट्रक्चर बन गई जो ये वाली थी। ठीक है, तो अगर हम इसको कहे ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर और ये फाइव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि CN जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इजिली इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे ही करेगा, बट कहाँ करेगा, जब ये डीएक्टिवेट कर रहा है इसका मतलब मेटा पोर्शन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्ता तस है, ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी घट रही है, बट मेटा पोजिशन जस्ता तस बना हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा से क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोर्शन पर ही अटैक करेगा, जिसकी वजह से CN जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और साथ ही मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। ये आप एक्सप्लेन करेंगे, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नीचे लिखेंगे कि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा की तुलना में ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे, ओके, साथ में एक एग्जांपल भी दे देंगे, साइनोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आप एथिलेशन करा दो या हैलोजिनेशन करा दो या नाइट्रेशन करा दो, एक एग्जांपल दे दो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया, नेक्स्ट है CCl3, उसके बाद फिनोक्साइड आयन, उसके बाद NH3+। तो CCl3 का केस अगर हम देखें, ठीक है, अभी मैंने आपको बोला ना CF3 का बताया मैंने, ये हो गया CL, 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 ठीक है,
इस केस में आप देखेंगे कि तीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच लेगा, जिसके वजह से आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा, तो अब क्या होगा कि इस तरह से आपका जो बेंजीन रिंग पहले मैं बना दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, फिर एक सीएल, एक सीएल और एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गया। यहां पर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अगर आपने नाम पहली बार सुना है, या निगेटिव हाइपर कंजुगेशन जिसको बोलते हैं, तो यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कम समय में, ठीक है। आपने अगर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये हो गया हाइपर कंजुगेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर यहाँ हम हाइड्रोजन की जगह पर सीएल अटैच कर दे, तो वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया ना, तो वो क्या करेगा, अगर ये सिस्टम हाइपर कंजुगेशन का है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो हाइपर कंजुगेशन होता। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ना होकर अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम अटैच हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर Cl माइनस, ठीक है, और इस कार्बन पर वो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। तो ये इसका हो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन था और वो पाई इलेक्ट्रॉन, वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे इस तरफ, एरो का डायरेक्शन क्या था, इधर था ना। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन का अगर मैं बनाऊं, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी सी एच, तो इस केस में क्या था आपका, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा था, देख रहे हो, ये जो सी और एच के बीच का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, फिर वो इधर मूव किया, तो इस पे नेगेटिव आया, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन की जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, तो बगैर के पाई इलेक्ट्रॉन को की तरफ खींचा, इस एरो का डायरेक्शन देखो, इस एरो का डायरेक्शन देखो, ठीक उल्टा, ये है आपका एंटी क्लॉक और ये है क्लॉक, ठीक है, तो एक दूसरे के ठीक अपोजिट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा क्योंकि सीएल माइनस बाहर निकल गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, तो ये प्लस यहाँ आ गया। हाइपर कंजुगेशन में इस पर नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, लेकिन आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में इस पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक उल्टा होता है हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन का ठीक उल्टा। तो इस केस में क्या होगा, सीएल माइनस, जस्ट लाइक एच प्लस बाहर आता है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन में, उसी तरीके से सीएल माइनस भी यहां पर बाहर रहेगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे प्लस चार्ज था, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच लेगा, तो आपका इस तरह से बन गया, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे, फिर आपका डबल बॉन्ड सी सीएल 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 पर नेगेटिव चार्ज, फिर आपका यहाँ से ऐसे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड सी सी एल सी एल और यहाँ पर सी एल नेगेटिव, इसी तरीके से लास्ट आप बना लेंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे मूव करेगा, तो ये वापस आपका सी एल और सी के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, जस्ट लाइक हाइपर कंजुगेशन, जैसे मैंने सी एस थ्री में बताया था आपको, वही केस यहाँ पर अप्लाई होगा। सी एस थ्री में इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहे थे रिंग के अंदर, बट यहाँ पर रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, ठीक है, ये हो गया, तो आपका वापस ये बन जाएगा। तो आपने क्या क्या देखा कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मेटा पोजीशन जस का तस है, तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से सी सी एल थ्री जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, साथ ही ये इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है, तो उसकी वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, समझ में आ गया ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएच ओ माइनस, मतलब फिनोक्साइड आयन, ओके, फिनोक्साइड आयन के बारे में जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो ये भी लेक्चर आपका एक घंटे का बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए आपका
फिनोक्साइड आयन अगर हम ले तो O माइनस, ठीक है, यहाँ पर O, यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से होता तो पक्का वो इलेक्ट्रॉन खींचता, लेकिन डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसके पास तो खुद के लोन पेयर है ही है, लेकिन भाई साहब ने किसी और का भी लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है ये ऑक्सीजन, तो इसके पास तीन लोन पेयर हो गए, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इस लोन पेयर को नहीं शो कर रही हूँ, बस नेगेटिव चार्ज को शो कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन किसके पास अधिकता हो गई ना नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आर्थो पर नेगेटिव आएगा, फिर पैरा पर नेगेटिव आएगा, फिर यहां पर भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब फिनोक्साइड आयन क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ई प्लस अगर है तो वो कहां अटैक करेगा, पैरा पर और आर्थो पर, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहां बढ़ रही है। अब आप रीजनरेटिव स्ट्रक्चर बना लेंगे ना, बहुत आसान है, फिर ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, तो फाइव स्ट्रक्चर्स आपके बन जाएंगे। तो आपने देखा कि फिनोक्साइड आयन में जो ओ नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है रिंग में, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा ओ माइनस, साथ ही एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के साथ ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था। चलो अब जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है, ये देख लेते हैं आपका NH, और यहाँ पर पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्यों होगा भाई, क्योंकि चार वैलेंसी नाइट्रोजन की नहीं होती है, तीन ही होती है, यहाँ पे चौथी जो इसकी लोन पेयर बचा हुआ था नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग के बाद भी, वो लोन पेयर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज हो गया, खत्म हो गया, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज वहां पर आ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, बगल के लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींचेगा कि नहीं, नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी तीन होती है, बट यहाँ पर चार हो गई है, चार क्यों हो गई है, क्योंकि इसने अपने एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींच लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जा रहे हैं, मतलब रिंग क्या हो रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग भी होगा, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, तो आप कहोगे कि मैम बना ही नहीं रही है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर चला गया, तो यहाँ पे फिर N और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये H जो होगा ये आपका जब इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकल जाएगा H माइनस की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि अब पांच तो हो नहीं सकता नाइट्रोजन का, तो H माइनस की फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी रहेगा, क्योंकि चार है वैलेंसी इसकी, है चार होती नहीं है, तीन ही है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आयन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, फिर फर्दर ये क्या करेगा, ये आयन H प्लस को निकाल कर NH2 में न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, एनिलीन के फॉर्म में, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा और आपका ऐसे, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड N, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये H एज ए माइनस यहाँ रहेगा, फिर ये इधर मूव करेगा और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, N, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ H माइनस। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इधर मूव करेगा तो ये वापस बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगी इसकी, और ऐसे 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना, क्योंकि इधर मूव कर गया था, तो आपका N H H H और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसी आयन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया। तो आपने क्या देखा कि आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मेटा पर जस की तस है, तो ये हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। इसको हम बोलते हैं एनिलियम आयन, ये एनिलीन नहीं है, ये एनिलियम आयन है, ये एनिलीन नहीं है, क्या है, एनिलियम आयन। ये एनिलियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है,
डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है स्पेशली आर्थो और पैरा पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ता है। तो ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे तो ये आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये एनिलियम आयन का ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि आप सर्च करते रह जाओगे आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एच प्लस माइनस ले लिया, ठीक है, इस तरह से हो गया। नाइट्रोजन पर प्लस ही चार्ज रहेगा नाइट्रोजन पर, क्योंकि चार वैलेंसी है, पांच तो होगी नहीं, चार ही रहेगी, चार या तीन, ठीक है। उस केस में पांच वैलेंसी होती है लेकिन वो सिंगल बॉन्ड में होती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है ना, तो फिर हाइड्रोजन से कैसे जुड़ेगा, तो वो एच माइनस के फॉर्म में ये बगल में ही रहेगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये माइनस के फॉर्म में ही रहेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीएल माइनस का केस बताया था। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा, फिर वापस ये इधर आएगा तो वापस ये से बन गया। समझ में आ रहा है ना? जहां नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके बताना, मैं फिर से इसको बताऊंगी, ठीक है। नोट कर लीजिए कि ये एनिलियम आयन है, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है और ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। अब एक और चीज यहाँ पर बता दूं कि आपका जो एनिलीन होता है, ये है एनिलीन, ठीक है, NH2, ये एसिडिक मीडियम में अगर हम इसको लेते हैं तो ये जो कि लोन पेयर होता है यहाँ पे नाइट्रोजन पर, तो ये H प्लस इस लोन पेयर पर, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने के बाद उसके साथ जुड़ गया, उस लोन पेयर के साथ जुड़ गया और NH3 में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एनिलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जब इसको एसिडिक मीडियम में लेंगे तो ये एच प्लस इस लोन पेयर के साथ मिलकर, मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ मिलकर NH3+ बना लिया, तो ये बन गया। तो इसको बोलती है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यहाँ से माइनस एच प्लस करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा। तो ये होता है एनिलीन, ठीक है, और ये होता है एनिलियम आयन, ठीक है। एनिलीन से एनिलियम आयन बना, तो ये हो गया आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये हो गया आपका मेटा डायरेक्टिंग, ये हो गया आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप और ये हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? नीचे आप लिख लीजिए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, और ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है ना कि आपका NH2 जो है ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और NH3+ ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये आपका आर्थो पैरा होता है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो एक टॉपिक बचा हुआ है, समरी ऑफ आर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मतलब जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आर्थो पैरा मेटा, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा कि कौन रिंग को एक्टिवेट करता है कौन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, सबको समराइज करके एक चार्ट यहाँ पर मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको मैं एक चार्ट बनाऊंगी, यहाँ पर लिखूंगी ग्रुप्स, यहाँ पर लिखूंगी कि वो कैसा इफेक्ट करता है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगते हैं, फिर साथ में यहाँ पर बहुत कुछ रहेगा, तो वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो आज यहीं तक आप अच्छे से समझिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।